नमस्कार, मेरा नाम है आरजी अंजलि, मैं हूँ रेडियो मिर्च से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज में। धन्यवाद। इस शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। ये लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे, क्या रिस्पॉन्स है? देखिए 30 तारीख से 11 बजे से रंगला चट्टी दर्जनों गांव हम लोग गांव गांव में घूम रहे हैं। हर जाति हर समुदाय संप्रदाय से मिल रहे हैं। यहाँ MBA के बंधन के उम्मीदवार श्री केदार गुप्ता से के पक्ष में जनता का समर्थन, भारी समर्थन। एक तो MBA से अपेक्षा है कि आदरणीय श्री चिराग पासवान ने MBA का समर्थन किया और आदरणीय चिराग पासवान के चेहरा से, चाहे वो अगला जाति को हो, पिछड़ी जाति को हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, राजपूत हो, ये समूचा बिहार का भविष्य की संभावना देख रहा है। मैं घनघोर राजपूत ब्राह्मण भूमिहार गांव में भी गया, बैस गांव में भी गया, तो कहा कि NDA का यदि चिराग पासवान चेहरा हो मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री तो बिहार में महागठबंधन ध्वस्त हो गया। तो जो चिराग पासवान का जो समर्थन मिल गया और लोक जनशक्ति रामविलास का, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री केदार गुप्ता को बड़ा भारी बल मिला है। और हम लोग जहाँ गए हैं, यहाँ तक के कि रविदास के गांव में भी गए, यादव के गांव में गए, मालाकार के गांव में गए, धोबीपासी के गांव में गए, राजपूत के गांव में भी गए, बैस समाज के गांव में गए, सब जगह समर्थन है। और इमोशनल गेम वो जो बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव है, वो यादव को इकट्ठा करने के लिए इमोशनल गेम खेल रहे हैं। लेकिन इमोशनल गेम जिस प्रकार का प्रचंड वेग से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और के मार्गदर्शन से जुड़े हुए हैं, उसमें NDA का जीत सुनिश्चित। सहकारिता मंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दिया है कि अगर दम है मोदी जी को तो यहाँ आकर महागठबंधन के प्रत्याशी को हरा दे, वो इस्तीफा दे देंगे। सहकारिता मंत्री कौन है? सुरेंद्र यादव हमारे साथ 15 साल तक रहे हैं, एक के साथ हम लोग बैठते थे। सुरेंद्र यादव कभी आनंद सिंह के बग्घी पर आते थे असेंबली में, और वो आधा गया शहर को कब्जा कर लिया। उनके पास क्या कौन सब उनकी बातों का जवाब देना उचित हमको नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं, अभी कितना बुर्बक वाला बात है। लड़ाई यहाँ श्री केदार गुप्ता से है, यहाँ आदरणीय श्री चिराग पासवान के लीडरशिप में बिहार में अति में समर्थन से बिहार में NDA का जीत हो रहा है। तो चुनौती उनको स्वीकार, इधर चुनौती प्रधानमंत्री कहाँ आए हैं और नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का कौन ताकत है आदरणीय चिराग पासवान जी का? एक दाम तभी लड़ाएंगे हैं। एक मिनट क्षेत्र भ्रमण किए हैं, जनता की मूलभूत समस्या क्या सामने आई है, कौन सी मूलभूत समस्या है कि जनता को एकदम आवश्यक जनता का मूल जनता में यही इसी प्रकार जो गरीब दलित को ये प्रजाधीन पुलिस प्रशासन नाहक जेल में बंद कर रहा है और निर्दोष लोगों को जेल के अंदर बंद कर रहा है, ये दारूबंदी के आर में। और जो माफिया है दारूबंदी का, वो मिला हुआ है इनसे का सरकारी दल के नेताओं से। माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, ये मूलभूत समस्या लग रहा है। इस मामले में NDA क्या करें? NDA जब तो अभी उपचुनाव है, उपचुनाव के बाद NDA अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान NDA का समर्थन किया है।
ये लिए क्या कर रहे हैं, हम नहीं जवाब सकते, लेकिन मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके दिल्ली जाके बात करके, और जिस प्रकार से माने दारूबंदी के आड़ में लाखों किसान और मजदूर का बेटा पिकअप भान वाला कर पकड़ाता है, उसके बयान पर दर्जनों निर्दोष लोगों का नाम जब अभी पढ़ाया जाता है, और पिकअप भान वाला जो है दारू माफिया और ट्रक वाले लोगों का नाम नहीं इसलिए देता कि हमको यदि उसको नाम दे देंगे तो हमको बेल कौन कराएगा, हमारे परिवार को खर्चा कौन देगा, तो नाम नहीं देता है। इस कारण से निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। इसके लिए बिहार में सरकार के इस गलत नीति के खिलाफ जन आंदोलन करने की आवश्यकता है। केदार गुप्ता की जब पराजय हुई उसके बाद दो साल क्या उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ कभी उठाया? जनता कह रही है कि केदार गुप्ता फिर कभी दिखे नहीं, विपक्ष की भूमिका वो कभी निभाए नहीं, जबकि उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी, जो भी गड़बड़ी थी उनकी आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आवाज़ कभी नहीं उठाया। उन्होंने केदार गुप्ता के जनरल जो भारतीय जनता पार्टी संघर्ष का जो रूपरेखा तैयार करेगा उसी पर केदार गुप्ता आगे बढ़ेगा। केदार गुप्ता का तो हम जहाँ गए हैं प्रशंसा ही, पराजय के बाद तो फिर क्षेत्र में तो नहीं दिखे दो साल, विपक्षी भूमिका तो निभानी चाहिए, तो आवाज कौन उठाएगा? जो सेकेंड पोजीशन में आएगा आवाज तो उन्हीं को उठानी है ना। जो संगठन की पार्टी में जो संघर्ष का रूपरेखा तैयार होता है वो रूपरेखा प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रांत के अध्यक्ष के निर्देशन पर और मार्गदर्शन पर वो संघर्ष का धरना प्रदर्शन आदि का रूपरेखा तैयार होता है। बहुत सारा ये दलीय स्थिति में जो पार्टी के जो संगठन का लाइन है उसको इग्नोर करके कोई नेता आज तो उनको बीजेपी प्रत्याशी बना दिया है, हो सकता था उनको नहीं बनाता, तो दल के जो संगठन का लाइन है उसको इग्नोर करके कोई नेता यदि कोई कार्यक्रम एक्स्ट्रा कार्यक्रम लेता है तो दल के नेताओं का की गिरा हो जाता है। इससे इसमें केदार गुप्ता का कोई ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का संघर्ष का संगठन रूपने का तैयार करता और केदार गुप्ता उसमें नहीं रहते तो उनको हम दोषी कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई आवाज़ नहीं उठाया फिर दो साल, विपक्षी भूमिका तो नहीं निभाए ना। भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष पहले तो सत्ते में थे, भारतीय जनता पार्टी पहले सत्ता में विपक्ष की भूमिका हमने, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि नीतीश जी नीतीश जी चुनाव में हार गए और भारतीय सेकेंड लाइन की पार्टी बन गए, इसलिए ना उनका भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन टूट गए। नीतीश जी का जन्म ही समता पार्टी का जन्म हुआ था, श्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला में जेल भेजने के जात फरार राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने शिवानंद तिवारी, ऋषि पटेल इन सब लोगों को चिट्ठी देकर उपेन्द्र विश्वास को चिट्ठी दिया लाल यादव को चारा घोटाले में फंसाने के लिए। चारा घोटाले में नीतीश जी का भी नाम था, फिर जहाँ साहब ने नीतीश जी का नाम कटवाया, तो इसलिए उनका जन्म ही समता पार्टी का जन्म ही लालू यादव को चारा घोटाला में जेल भेजने के लिए समता पार्टी का जन्म हुआ कि यदि लालू यादव जेल नहीं जाएंगे तो हम पिछड़ा का नेता नहीं बन पाएंगे। अब ये दोनों सांप नेमला का दोस्ती हो गया, तो सांप नेमला का दोस्ती और उससे सवाल पूछे कि भाई आपके खिलाफ ही आपको जेल भेजने के लिए समता पार्टी का जदयू बना था, आप क्यों फिर उससे गठबंधन कर दिए? तो आरजेडी वाला सिर्फ पूछेगा तो हमसे पूछिएगा। आपकी सरकार पूर्णतः जब बनेगी तो क्या शराबबंदी को चालू रखेंगे या बंद कर देंगे? हमारी सरकार जब बनेगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सरकार यदि बिहार में यदि श्री आदरणीय श्री चिराग पासवान के नेतृत्व में यदि बनेगी तो उस समय हम जो मेडिकल टेस्ट जिनको आवश्यकता है शराब पीने का मेडिकल टेस्ट के आधार पर हम परमिशन दें, नहीं तो इस प्रकार का व्यापक खुला शराबबंदी और जहरीला शराब पूरा हमारा पार्टी रोकते हैं। फिर रेवेन्यू कैसे आएगा? अभी तो शराबबंदी पे कर रहे रेवेन्यू जा रहा है, बताया ना आपको कि मेडिकल टेस्ट जिनको उमदा शराब की जरूरत है उनको शराब मिलेगा उमदा, रेवेन्यू टेस्ट होगा उनका मेडिकल टेस्ट होगा, लेकिन इस प्रकार का खुला शराब जिसे लूट का छूट है और अब अराजकता का स्थिति बिहार में फैला हुआ है, निर्दोष लोग जेल जा रहा है, उसके पिकअप भान जो है सो अति सर रहा है थाना के अंदर, उसके ट्रक और बस ट्रक सर रहा है थाना के अंदर, उसका स्कॉर्पियो थाना के अंदर सर रहा है,
ये स्थिति अराजकता का स्थिति। अब उसके जो सरकारी पदाधिकारी है, पुलिस के लोग है और दलाल है, जदयू के एमएलसी, जदयू का नेता मालोमाल हो रहे हैं। हम तो गिना देंगे कि जो जदयू प्रभावित क्षेत्र के नेता हैं कहाँ कहाँ शराब का खुला व्यापार हो रहा है, जैसे शराब का। और कोई पुलिस वहाँ रोक टोक नहीं करने जाता, पुलिस किसको पकड़ता है? तो ये पासी समाज के, पासवान समाज के लोगों को, जो जिनका धंधा तारी चुहा के उनका आजीविका चलाना है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बिहार के लिए, और ये ठीक नहीं। और ये न्याय के साथ विकास का जो नारा नीतीश जी लगाया है, ये न्याय के साथ विकास के नारा खोखला साबित हो रहा है। महोत्सव मनाया जा रहा है और इनके पास, बिहार सरकार के पास मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, एमबीए में, एमसीए में, ओवरसियरी में, इंजीनियरिंग में जो पढ़ने वाला छात्र है उसके लिए इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारा छात्र यूक्रेन जा रहा है, रशिया जा रहा है, चाइना जा रहा है, दूसरे दूसरे प्रोविंस में जा रहा है, और अरबों अरब रुपया हमारे बिहार से दूसरे देशों, दूसरे प्रांत में चला जा रहा है। बिहार संपन्न है, बिहार धनी है, सारा संसाधन हमारे, हमारा फर्टाइल लैंड है, मिट्टी हमारा उपजाऊ है, लेकिन हमारी जनता गरीब है। गरीबी में जन्म लिया, ऋण में जन्म लिया, ऋण में ही जवान हुआ, ऋण में ही मृत्यु का वरण लिया। पलायन इस प्रकार है कि हमारा जो मनरेगा, हमारे यहाँ मनरेगा डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद सिंह जी ने मनरेगा लाया था, वो मनरेगा के माध्यम से रोजगार का सृजन होता, किसान का कल्याण होता, कृषि कार्य भी होता, लेकिन वो उसके योजना ऐसा बनाया, उस योजना के तहत आदि में पीओ और ये दलाल मालोमाल हो रहा है, और सारे लोग प्लान कर रहे हैं, कागज पर ही उसका एस्टीमेट बनता है, कागज पर ही काम होता है, और कागज पर ही बिल पेमेंट होता है। आप सब लोग तो चौथा नेत्र हैं, डॉक्टर लोहिया ने कहा था चौथा खंभा, चौखंबा राज, कार्यपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका व्यवस्थापिका और सबसे बड़ा प्रेस। तो प्रेस की भूमिका तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बदलने का भूमिका है, आपकी भूमिका, हम तो एक पार्टी का डेडिकेटेड वर्कर हैं, अपने नेता के नीति नियत और नीति निर्देशन और उसके विश्वास पर खरा उतरने का कोशिश करते हैं, लेकिन आप तो स्वतंत्र हैं। एक बार भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे बार सर आचार्य भी कृपलानी को पंडित नेहरू खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका एक मिनट भ्रमण के दौरान क्या लगता है कि अभी तो हम अच्छी नहीं है, लेकिन भ्रमण के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर ने चिराग पासवान के समर्थन से बड़ा भारी जन समर्थन बना, जो ऊंची जाति में टूट था, जो दलित में टूट था, वो भी टूट समाप्त हो रहा है, सियोर न रहा कि सियोर लोगों को लगा कि श्री केदार गुप्ता भारी मतों से जीते, कितना मतों से जीते हैं वो तो चुनाव के बाद। ठीक, एक तरफ पूरे सरकार के मंत्री पूरा उतरे हुए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है सरकारी खजाना का भी उपयोग किया जाएगा? सरकारी खजाना का तो दुरुपयोग का पर्यायवाची है नीतीश जी का सरकार, नीतीश जी का सरकार सरकारी खजाना का। ये मुजफ्फरपुर के लोग पत्रकार आप लोग हैं, मुजफ्फरपुर तो एक व्यक्ति के अति में हाथ में मुजफ्फरपुर का पूरा इकोनॉमी है, पूरा जो आपके जो जिला परिषद से लेके नगर निगम, नगर निगम से लेके पंचायत राज व्यवस्था तक एक व्यक्ति का कब्जा है, जो जदयू का नेता है, और वो शराब माफिया भी है। कौन है, नाम बताइए। बीजेपी के कहीं ना कहीं पुराने विधानसभा में उपचुनाव में लड़ा है, जिसके कारण पासवान का सहयोग लेना पड़ रहा है। भाई बिहार में जो गठबंधन गठबंधन का सरकार बना, जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मिल गए, तो बिना अधि में बीजेपी आदरणीय चिराग पासवान के रथ पर सवार हुए बीजेपी का गुंजाइश ही नहीं है। बीजेपी को डर है, डर के बाद नहीं, कोई डर नहीं है, लेकिन हमारा समर्थन एनडीए को चाहिए।
अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।